यहाँ पे अपने सारे कपड़े राइडिंग गियर्स वगैरह सूखने के लिए पड़े, और यहाँ पे भी सारे के सारे सामान, यहाँ पे हेलमेट सब पड़ा हुआ है। तो इनको सुखाते हैं और निकलते हैं तवांग की ओर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ टीआर ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं जंग से तवांग की ओर। और कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग सेला टॉप को क्रॉस करके जंग तक पहुँचे। ये सफ़र जो रहा है ये बहुत ही एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम स्नो राइड था, एक्सट्रीम सिचुएशन था, क्योंकि स्नो क्रॉस करके फिर बारिश मिला, बारिश में पूरा राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग गियर्स वगैरह सब कुछ भीग गया। अभी उसको सारे राइडिंग गियर्स को और सारे बैग, सारे जितने भी सामान थे सबको सुखाने के बाद हम लोग जाएंगे तवांग की ओर। चार बार हम गिरे थे बाइक लेके, मैं और सनी थे, और बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बिजू भैया और जॉइंटो से, तो उसको लेके भी टेंशन था बहुत ही। और ये लोग नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए भी चले गए थे कि भाई मुझे नहीं मिल रहा था, मतलब मैं खो गया था, ऐसा कंप्लेन उन्होंने डालने के लिए पुलिस स्टेशन भी गए थे। तो उसी टाइम मैं पहुंच गया उनके पास, तो और मैं भी बहुत बुरी तरीके से फंसा था। पता नहीं है आगे चल के क्या मिलेगा क्या होगा, आज का सिचुएशन भी पता नहीं है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई आज के राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ। और भाई हम लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ही लेट, अभी बज रहे 2 और अभी जा रहे हैं हम लोग तवांग। लेट होने का रीज़न ये था कि कल जो एक्सट्रीम राइड थी उसमें हम लोग एकदम से, मतलब तबीयत भी ख़राब हो गया और थक भी गए थे, तो इसी के चलते आज थोड़ा लेट हो गए। और थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया हम लोगों का, तो अभी चलते हैं तवांग और देखते हैं आगे कुछ मिलता है कि नहीं, क्या देखने को मिलता है आज। आज अगर कुछ साइट सीन वगैरह होता है तो डेफिनेटली वो करेंगे, और कल जाएंगे बुमला पास। वो एक स्टैचू दिख रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन उसका रास्ता कहाँ से है ये मालूम नहीं है। ओ भाई साहब, तो कल हम लोग सेला टॉप होके जंग में आके रुके थे रात में, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, किसी के बस की बात भी नहीं है, और कोई ऐसे राइड भी नहीं करता है जैसे हम लोगों ने किया है। बस जाना पड़ेगा खारसा 5 किलोमीटर जो कि बाकी है अभी तक। तो और भाई यहाँ पे टायर स्लिप होने का चांसेस है, सूरज देवता के भी दर्शन हो गए सुबह सुबह। और यहाँ शायद एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल, हाँ यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग भाई साहब, छोटा वाटर क्रॉसिंग है फिर भी इसमें दम है भैया। शुरू हो गए हैं ऑफ रोड तगड़े वाले। वो देखो भाई सेला टॉप, वो था सेला टॉप।
और उसको रात में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, रात में। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई भी अगर बोलेगा ना कि इतने बर्फ में गाड़ी चला लेगा रात में, तो मैं तो कहूँगा भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं सकेगा। डर के आगे जीत है, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि डर के आगे जीत है। भैया फिर से ऑफ रोड चालू, और ये देखो बंदर। ओ भाई साहब, बहुत सारे बंदर है यहाँ पे। ये पत्थर दिख रहा है ना, इसी से सीमेंट बनता है भाई, इस पत्थर से सीमेंट बनता है। यहाँ पे एक ब्रिज मिला, क्या नाम है, बमरा तवांग लुमला 49। अच्छा, वर्तक इन द सर्विस ऑफ मोशंस, बहुत सुंदर एक ब्रिज है। बहुत प्यारा सा एक नदी है। आज का फर्स्ट झरना सुंदर है। तवांग 27 किलोमीटर फ्रॉम हियर। कितने बर्फ दिख रहे हैं। खाली तवांग के रोड के बारे में सुना था, लेकिन भाई साहब यहाँ पे A1 नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। A1 मतलब A1 एक अलग ही किस्म का है। ऊपर भी बर्फ है, तवांग पे भी, बुमला पे भी बर्फ मिलेगा। हल्का हल्का सा बारिश गिर रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ से तो और अच्छा व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू, बहुत प्यारा है। ये पूरा का पूरा आर्मी बेस एरिया है, तो इसी कारण से ड्रोन शॉट नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मॉन्स्टर पे ले सकते हैं। मॉन्स्टर से लेंगे और देखते हैं आगे कहाँ कहाँ मिलता है, जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ ड्रोन शॉट दे देंगे। वो देखो सेला टॉप भाई, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा ये टूर था, कैसा लगा आप लोगों को। और यहाँ से एक छोटा सा झरना दिखाई दे रहा है। इधर गेट से एकदम आगे दिख रहा है पूरा का पूरा बर्फ। तो राइड होने वाली है बहुत जबरदस्त। आज का राइड जो था ये तो छोटा था, ये छोटा ब्लॉग भी छोटा होगा, क्योंकि आज ज़्यादा डिस्टेंस हम लोगों ने कवर नहीं किया, क्योंकि कल बुमला पास जाना है।
प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि हाँ चलो पूरा का पूरा जो रास्ता है मैं जितने दूर तक चलाऊंगा बाइक उतनी दूर तक रिकॉर्ड करूँ, लेकिन साला ये GoPro में बैटरी बैकअप ही नहीं देता है। इतने प्यारे लग रहे हैं ना बर्फ में, क्या बोलूँ। उफ भाई साहब, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, नज़ारे देखो भाई, मन बहक जाएंगे, आप भी बहक जाओगे। ओ भाई साहब, ये क्या देख लिया भाई, यहाँ पे क्या रुक जाए। आगे हम जा रहे हैं उतने के पास आ रहे हैं, क्योंकि हम वहीं पे जाएंगे। फाइनली वी आर इन तवांग, हम लोग तवांग पहुंच गए, जस्ट अभी अभी पहुंचा है। और भाई यहाँ से नज़ारे बहुत प्यारे दिख रहे हैं, ये अपने पीछे बहुत प्यारा नज़ारा है। और ये अपना बाइक खड़े हैं, अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है। और यहाँ पे देखो सनी क्या कर रहा है, वो देख रहा है पूरा शहर। आप लोगों को भी दिखाते हैं शहर कैसा है, देखते हैं एक बारी, अगर ड्रोन शॉट ले सकते हैं तो ले लेंगे। तो होटल वालों से बात करते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखो कितने क्यूट से बच्चे हैं, हाथ दिखा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग तवांग पहुंच गए थे, और अभी एक रेस्टोरेंट पे बैठे कुछ खाना पीना करते। और यहाँ से जो व्यू है वो अल्टीमेट है, यहाँ से पूरा मॉन्स्टर दिख रहा है, पूरा शहर दिख रहा है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो दिख रहे हैं। और A1 बाकी अभी फ़िलहाल रूम का हालत कुछ ऐसा है। और भाई यहाँ पे सारा सामान ऐसे हम लोग फैला दिए है। यहाँ पे दो बेड है, एक वो वाला उसमें मैं और सनी रहने वाले हैं, और ये वाला जो बेड दिख रहा है इसमें बिजुदा और जयंतो रहने वाले हैं। और यहाँ पे अपना राइडिंग गियर सारे सूखने के लिए रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कल भीगा था, इसी कारण से ये सारे भीग चुके हैं, तो इनको पहले सुखाना पड़ेगा, उसके बाद
कल अच्छे से जा पाएंगे। और कल का प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे पहले मॉन्स्ट्री, उस मिस्टर लेक और बुमला पास बंद है इसीलिए वहाँ पे नहीं जा सकते। ये आके बैड न्यूज़ अभी सुनने को मिला है। तो बिजू भैया और सनी दोनों ने जाके ये सुना है, लोकल पीपल बताए। तो पास लेके कोई फ़ायदा नहीं है, पास नहीं लेंगे। तो उनका कहना है कि यहाँ पे वाई जंक्शन होके आप 13 किलोमीटर आगे जाइए तो एक और लेक मिलेगा, उसको देखिए और वाई जंक्शन होके वापस आ जाइए। तो हम लोग मॉन्स्ट्री, वाई जंक्शन और वो लेक को देखने के लिए जाएंगे। फिलहाल अभी तक तो यहीं पे है, रात में खाना वाना खा के अच्छे से सो के फिर कल सुबह वहाँ पे जाएंगे। और कल का प्लान ये है, पूरा ये सब घूम के हम लोग रिटर्न जहाँ से आए थे, मतलब जंग, वहीं पे जाके सेम होटल पे हम लोग स्टे ले लेंगे। और अगले दिन वहाँ से हम लोग जाएंगे सेला पास होते हुए बॉमडिला। देखते हैं, बॉमडिला अगर नहीं जाते तो बॉमडिला से आगे तेजपुर भी चले जा सकते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर टाइम ठीक ठाक मिल जाता है तो वही करेंगे, अगर टाइम कम मिलता है तो बॉमडिला पे ही स्टे कर लेंगे। बॉमडिला से नेक्स्ट डे हम लोगों का प्लान रहेगा कि बॉमडिला से नेक्स्ट डे हम अपने होम टाउन चले जाएँ। और यहाँ पे अपना मोमो आ गया है, इसको पहले निपटाते हैं। आई नहीं कोई तो भाई बहुत ठंड है और अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए ऊपर रेस्टोरेंट पे। तो हम लोग रुके थे होटल आमला में और ये एकदम पासी में तवांग सिटी में ही है। और यहाँ से सीधा जाने से बुमला पास और इस साइड से हम लोग आए थे। तो चलते क्या क्या है खाने में देखते हैं। यहाँ पे एक भाई है, बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छा दे रहा है। तो चलते हैं ऊपर। और ये नीचे रिसेप्शन है और नीचे रूम है, ये रेस्टोरेंट है यहाँ का। तो रेस्टोरेंट चलते हैं। तो खाना लग चुका है हमारा डिनर और खाने में प्याज तो चलते हैं, पहले इसको निपटाते हैं उसके बाद और सारे। तो खाना पीना हम लोगों का कंप्लीट हो गया, डिनर कंप्लीट हो गया और अभी जाके सो जाएंगे। कल सुबह उठना है, 7:30 बजे तक का प्लान है। 7:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, साइट सीन वगैरह, ये मॉन्स्ट्री सारा कुछ घूमना है। और कल ही हम लोगों को रिटर्न जाना है जंग तक, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम बचाना पड़ेगा और जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। तो जाके बैग पैक करते हैं, अपना सारा कुछ सामान ठीक से सजा लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको इस वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। तो मिलते हैं तवांग राइड 2023 के अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए।